जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, यहाँ मन नहीं लग रहा है नित्यानंद जी, यहाँ मन नहीं लग रहा है कि कहीं ये बात खुल ना जाए कि हम गए थे नित्यानंद राय के यहाँ कि हम लोगों को बचा लीजिए, ईडी का छापामारी नहीं हो जो अभी छापामारी हुआ था, इसके पहले छापामारी हुआ था, रोज तो छापामारी होता है। राजनीति के क्षितिज पर पहुंचता है तो इंद्र के सिंहासन जैसे डोलता था वैसे लालू परिवार का डोलता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना ही होगा। साफ साफ उन्होंने कह दिया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक समय में आरजेडी में आना चाहते थे। कुछ साल पहले तक तेजस्वी यादव से उन्होंने बात भी की थी। तेजस्वी यादव का पहले आप वो छोटा सा बयान तो सुन लीजिए। क्या कह सकते, कहाँ रहेंगे नित्यानंद जी, तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। तो हमने तेजस्वी यादव को आपको वो बयान सुनवाया है, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य, बिहार विधान परिषद के उपनेता भी हैं नलकिशोर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नित्यानंद राय, सामाजिक रूप में भी देखें तो आपसे मिलता जुलता ही है। तेजस्वी यादव के पास गए थे मुलाकात करने, उनके पार्टी में जाने के लिए तैयारी थी। देखिए, तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार खुशामद कर रहे थे नित्यानंद राय को कि हमारे यहाँ छापामारी नहीं हो, ईडी का छापामारी नहीं हो, वो बचना चाहते थे। और नित्यानंद राय को जिस दिन कह रहे थे वो पार्टी प्रेसिडेंट थे, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी प्रेसिडेंट कोई आरजेडी का नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये बड़ा चीज़ है, हमारे यहाँ संगठन की पार्टी है। वो चूँकि घबराए हुए हैं कि कहीं ये बात खुल ना जाए कि हम गए थे नित्यानंद राय के यहाँ कि हम लोगों को बचा लीजिए, किसी से बचा लीजिए, ईडी का छापामारी नहीं हो जो अभी छापामारी हुआ था, इसके पहले छापामारी हुआ था, रोज तो छापामारी होता है, ये कट्ठे कट्ठे जमीन वाला था, मॉल के मट्टी वाला था, इस सब के छापामारी से बचा लीजिए, अभी जो हुआ रेलवे वाला उसमें बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम हम नहीं करते हैं, इसीलिए बिहार छोड़ के भाग गए थे, सब आदमी से बात हुई लेकिन ये भाग गए थे। तो उसको पचाने के लिए ये बात नित्यानंद राय जी पर कह रहे होंगे। तो जो बातें कही हैं, जो आरोप लगाया है, वो क्या सब आरोप नहीं, वो तेजस्वी यादव एन केन प्रकार करके जब कोई यादव राजनीति के क्षितिज पर पहुंचता है तो इंद्र के सिंहासन जैसे डोलता था वैसे लालू परिवार का डोलता है। लालू यादव को लड़ाई यादवों से है, जिस तरह से लांछनीय बनाया है सोसाइटी में यादवों को और लांछनीय बना के उसका ब्लैकमेल करता है, मायावती के तरह वोट को बेचता है, वो चाहता है कि कोई बेहतर लीडरशिप पैदा नहीं हो सके, इसलिए नित्यानंद राय जी पर इस तरह के लांछनीय बंद करके और मीडिया में बने रहना। झूठ था ना, झूठ था ऐसा जो उन्होंने कहा है, क्योंकि नित्यानंद राय उनके पास नहीं गए थे। असत्य के सिवाय उस परिवार को बोलने का कुछ स्टॉक ही नहीं है, असत्य ही बोलते हैं, असत्य ही काम करते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है निश्चित रूप से, आपको जानकारी थी, आप लोग कोई बात। अरे तो नित्यानंद राय जी के यहाँ ही लोग गया था कि छापामारी से बचे तो हम लोगों को जानकारी नहीं रहेगा। एकाएक सब गए थे, तेजस्वी भी गए थे और उनके परिवार के लोग भी बात किए थे, सब बात किए थे। कल जो उन्होंने कहा सिर्फ एक राजनीति, सिर्फ कि यह बात खुल ना जाए कि हम नित्यानंद राय के यहाँ गए थे माफीनामा के लिए कि माफ करवा दीजिए, अब छोड़ दीजिए, ये बात खुल ना जाए इसलिए बरबोला में अपना पहले ही फायर कर रहे हैं। उस बयान से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बीजेपी पर काला फर्क पड़ेगा ये सब के बयान से। इन लोग को तो झूठ बोलने की आदत है, इसी तरह की बोलने की आदत। आप लोग समझ रहे हैं कि वो सब कोई समझ रहा है, पूरा बिहार समझ रहा है। देखिए, नित्यानंद राय के उस बयान पर जो तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव की पार्टी में वो साथ आएंगे, ये बात जो कल उन्होंने कही, उस पर नलकिशोर यादव ने क्या कुछ कहा है और तेजस्वी यादव ने कैसे छुप छुप कर पैरवी लगवाई थी, किस चीज़ के लिए पैरवी लगवाई थी, उसका भी अब खुलासा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।